स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करने वाला जो एक इंडिविजुअल मौजूद होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मौजूद होता है, हम उसे फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं। हमने बात की कि फाइनेंशियल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जॉब ड्यूटीज हैं, वो वेरी करती हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी। एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर जो रोल परफॉर्म कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक फाइनेंशियल मैनेजर पोस्ट पर बैठा बंदा एग्जैक्टली सेम फंक्शन और फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हो। सो ये ज़रूरी नहीं है। There is a wide variety of task. कहीं पर हो सकता है कि financial manager accounting related task भी कर रहा हो, कहीं पर हो सकता है कि जो auditing से related tasks हैं वो भी financial manager के जिम्मे हों। तो practically हम इसको नहीं कह सकते कि यही सिर्फ टास्क हैं या फंक्शंस हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता। बट यस, थ्योरेटिकली देर आर सर्टन फंक्शंस जिनका ताल्लुक खास तौर पर फाइनेंशियल मैनेजर से। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज फंक्शंस। वी हैव सॉर्टेड आउट 8 फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। So let's talk about those 8 functions. But I would repeat again कि ये कोई hard and fast functions नहीं हैं कि आप ये सोचें कि शायद हर organization में एक financial manager यही काम कर रहा है। वो practical aspect कुछ और है, but theoretically जो generalize किए गए हैं 8 functions, उनको हम डिस्कस करते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। अगेन हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल रिक्वायर होता है, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक अपना जो रॉ मटेरियल परचेज करना है उसके लिए भी फंड्स रिक्वायर हैं, अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए भी फंड्स रिक्वायर हैं। तो ये जो फंड्स रिक्वायर हैं, ये जो कैपिटल रिक्वायर है, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल के कितना पैसा चाहिए, ये एस्टीमेट करना किसका फंक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजर। ही और शी हैज टू estimate that how much capital, that what amount of capital is required for this particular activity. So this is a primary function of a financial manager. And once a financial manager has estimated the amount of capital required, then determining कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड आई होप कि अब आपके लिए ये टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर नई नहीं होगी, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि जो आपने वो कैपिटल अरेंज करना है, फंड्स अरेंज करने हैं, उसमें आपने कितना जो है वो पार्ट इक्विटी का रखना है, योर इंटरनल फंड्स, और कितना पार्ट आपने एक्सटर्नल फंड्स ऐड करने हैं, मतलब कितना लोन या कितना डेट आपने उसमें शामिल करना। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक और अहम फंक्शन है, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक तो उसने एस्टिमेट किया कि कितना कैपिटल चाहिए, कितने फंड्स चाहिए, देन determining capital structure,
कि ये जो फंड्स हैं, ये जो दरकार हैं फंड्स, इनमें क्या एक वो रेशो सेट की जाए, एक्विटी ज्यादा हो, डेट ज्यादा हो, या कोई एक और प्रॉपर कोई एक रेशो सेट की जाए, एंड देन चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स. और सोर्सेज ऑफ फंड्स पे भी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सोर्सेज ऑफ फंड से क्या मुराद है कि फंड्स अरेंज कैसे करने हैं. शुड वी गो फॉर एक्विटी पार्ट, शेयर्स इशू करें, कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स, और शुड वी गो फॉर द डेट पार्ट, लोन ले लें, किसी बैंक से लोन ले लें, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया जाए. तो ये सोर्सेस, यू नो, चॉइस ऑफ सोर्सेस, ये क्या है, ये एक और अहम फंक्शन है किसका, फाइनेंशियल मैनेजर का. एंड देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये जो प्रोक्योरमेंट का वर्ड है, ये हम जनरली परचेज में यूज करते हैं. अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ बना के बेचते हैं, तो वो जो अपना रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं और उसको फिर वो यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर ये टर्म वहां पर सुनने को मिलती. आसान जुबान में आप कह लें अरेंजमेंट ऑफ दीज फंड्स. क्या आपने पहले एस्टिमेट, एक फाइनेंशियल मैनेजर का जो एक प्राइमरी फंक्शन क्या था, कि एस्टिमेट किया कितनी अमाउंट चाहिए, ओके, किसी भी एक्टिविटी, व्हाटएवर इज बीइंग डिसाइडेड, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी कैसे करना है, देन चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स. सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने अब नहीं भूलना, सोर्सेज ऑफ फंड से मुराद हैं कि आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं. अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नए हैं, तो मैं आपको एक बड़े ही आसान एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूं कि फर्ज करें आपने एक कोई अपना एक बिजनेस शुरू करना है, आपने कोई दुकान खोलनी है, आपने कोई एक इस तरह स्मॉल स्केल आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप जरा सोचें कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं उस दुकान के लिए, जो आपको पैसे चाहिए, उन पैसों को अरेंज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं. अगर आप सोचें तो जनरली सिर्फ दो ही ऑप्शंस. वो दो ऑप्शंस क्या हैं, या तो आप अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, या आप किसी से उधार ले लेंगे. बुनियादी तौर पर यही दो सोर्सेज हैं. कंपनी के केस में इन्हीं को एक्सपेंड कर दिया गया कि हमने जो बात की, अपनी जेब से आप पैसे लगाएंगे, कंपनी शेयर्स इशू कर देगी, कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स, शेयर्स लोग खरीदेंगे, कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे. और जो हमने दूसरी बात की कि आप किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से आप उधार लेंगे, तो ये वो बात है जो हम कंपनी के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि कंपनी वुड गो फॉर डेट, फॉर लोन, किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी लोन ले लेगी. तो ये हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स. फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर.